दोस्तों हमारे सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि अभी हमने कंटिन्यू प्रिडिक्शन किया था कि बैंक निफ्टी में अब ऊपर जाने का मसला नहीं है, डाउन के बारे में ज्यादा चांसेस है। अभी आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी यहां से डाउन आ सकती है, यहां पर एक सप्लाई जोन था दोस्तों, मैं इसका डिस्कस किया था। अगर आपको दिखा दूंगा टेलीग्राम पर गिरने के बाद, दोस्तों गिरने से एक दिन पहले, गिरने के बाद बताना बहुत आसान होता है, उसके पहले बोलो तो सुन जाता है कि हमने कुछ प्रिडिक्शन किया है, ठीक है, बाकी मार्केट सुप्रीम। यहीं से बैंक निफ्टी डाउन आ गई। आज हम करेंगे प्रिडिक्शन कि कल से क्या इसका व्यवहार हो सकता है बैंक निफ्टी का। दोस्तों आप देखेंगे, क्लियर कर दोस्तों, यह हमारा ट्रेंड चैनल है। हमने यहां पर लिखा था कल से ही, मैसेज सिर्फ एक ही बात का था कि गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, हमेशा लिखा हमने। देखिए क्या लिखा मैंने यहां पर, मैंने कहा कि बैंक निफ्टी, ये लो इंडेक्स रेड हो गए, लो सब कुछ लाल हो गया, बैंक निफ्टी अपने सप्लाई से 400 पॉइंट डाउन, लो उसी पॉइंट से डाउन जिसका हमने डिस्कस किया था वीडियो में। देखिए वही लाइन जो भी हमने आपको दिखा, वहीं से बैंक निफ्टी यहां से डाउन आ गई। देखिए यहीं से बैंक निफ्टी डाउन आ गई, जो लाइन खींचा था हमने। इसके बाद में दोस्तों हमने बार बार लिखा मार्केट में बहुत कुछ गैप आ गया है, इसलिए अब मैं अपसाइड को अवॉइड करूंगा। मैंने जो है अपसाइड को अवॉइड करने बोला था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने बोला मुझे तो बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही वीक लग रही है। फिर क्या हुआ, इसके बाद में मैंने कहा मुझे तो डर लग रहा है कहीं बैंक निफ्टी एक दो दिन में बहुत ज्यादा गिर जाए। यह सब कल के मैसेज है, अक्टूबर 21, आज 22 अक्टूबर होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। हर तरफ से मार्केट ऊपर खुली है, इसलिए छोटी सी ग्रीन कैंडल देखकर फंस मत जाना, मार्केट डाउन आ सकती है। हर तरफ डाउन 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 डाउन, कहीं नहीं अपसाइड का कोई मेरा मतलब नहीं था, मार्केट डाउन ही हो गई और बेचारे बुलिस इनगल्फिंग पैटर्न देखते रह गए। वैसे भी इन पैटर्न को मैं बहुत दूर से कई साल पहले इनका चरण स्पष्ट कर चुका हूं कि मुझे तुमसे कुछ करना है तो दुश्मनी करना है, हम तुम पे हैमर इन्वर्टर हैमर शूटिंग स्टार सपोर्ट स्टन का भी हैंडल, थक जाता हूं बोलते बोलते, इन सबसे हमें नहीं दोस्ती करना है, ठीक है। ये इसका काम ही होता है फेल होना, ठीक है दोस्तों। होना को लोग पैसे कमाते हो पैटर्न से, नो डाउट, मैं इससे लॉस किया हूं। अब दोस्तों क्या है, जैसा कि हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं यहां पर दोस्तों, एक चीज है कि अगर मैं आता हूं यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, दोस्तों बैंक निफ्टी में आता हूं मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, जब मैं दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ रहा हूं तो मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं, निफ्टी बैंक में 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है यहां पर, ये देखिएगा, जूम करता हूं थोड़ा क्लियर व्यू आए, ये ड्रॉप बेस रैली का यहां पर दोस्तों जो है डिमांड जोन है, ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली, ड्रॉप बेस रैली का ये निफ्टी बैंक में डिमांड जोन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर है। जब यहां से निफ्टी बैंक डाउन आ रही थी तभी मैंने बोला था कि आ रही है इसको आने दीजिए, क्योंकि इस डिमांड जोन से पहले कुछ भी नहीं है जो इसको सहारा कर पाए। छोटे छोटे डिमांड जोन थे 30 मिनट्स के, उन सबको मार्केट थोड़ा थोड़ा सम्मान करते हुए, ऐसे नहीं हल्का फुल्का सम्मान करते हुए, 100 पॉइंट किसी 150 पॉइंट ऊपर जा करके फिर तोड़ ताड़ के लो आ गई, इसने यहां पर डिमांड जोन में बैंक निफ्टी आ गई है। नो डाउट आज कुछ प्राइसन बिगड़ गया है, इसलिए यह डिमांड जोन थोड़ा सा जो है इसको वजन लगा इसको संभालने में, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। अभी क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहां पर डिमांड जोन में है भी। मैं इसको मार्किंग कर देता हूं एक बार को, मैंने इसकी मार्किंग कर दिया। अगर इसको हम देखते हैं ये डिमांड जोन कहां से कहां तक है, इसको नोट करते हैं तो 51,270 से
51,000 के बीच में यहां पर एक डिमांड जोन है। अगर इस डिमांड जोन में बार प्लान टेस्ट दिखाते हैं अपना पोर्टफोलियो प्रूफ करता है, इन केस मान लीजिए अगर मान लीजिए यहां से ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, तो एक इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है बैंक निफ्टी ने। वो क्या किया है, बैंक निफ्टी ने मेरे साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ऐसा है कुछ पिक्चर, बैंक निफ्टी ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक सप्लाई जोन बना दिया है। यस, यहां पर अगर मैं इसको प्रॉपर मार्क करता हूं कि ये कहां से कहां तक का है, ये लाइन मतलब कहां पे आ रही, इसको मार्क करते हैं हम, इसको हम कर देते हैं रेड्स करते हैं मार्क। ये कुछ एरिया निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये है 51,676 पर है, कहां पर है 51,676 पर ये सप्लाई जोन है। अब ये बैंक निफ्टी को अगर ऊपर उछलती भी है तो ये अब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। 51,676 है, ठीक है, यहां सप्लाई बन गया है। तो ये हमारा जो है दोस्तों बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन। हाँ, एक बात और हम समझ लेते हैं लगे हाथ, जब हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम बजाते हैं जैसे हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो दोस्तों यहां पर एक चीज है कि बैंक निफ्टी में बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इसके बाद अब बैंक निफ्टी में कोई डिमांड जोन नहीं बचा है नीचे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लीजिए जो हमने सप्लाई डिस्कस किया, मान लीजिए ऐसा हो जाए जैसा हम सोच रहे हैं बाकी मार्केट सुप्रीम यहां जाए सप्लाई जोन तक नीचे आए, प्रॉब्लम यह है अब इसके बाद बैंक निफ्टी में जो अगला डिमांड जोन है, जो सपोर्ट है, वो बहुत दूर है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, मतलब मार्केट हो सकता है कुछ गड़बड़ करे भी, सोचे भी मुझे और नीचे जाने दीजिए, देखते हैं। आते दोस्तों हम निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में सब कुछ वैसे हुआ। आपको ध्यान होगा अभी प्रीवियस वीडियो में हमने यहां पर एक लाइन मार्क किया था, सॉरी इसी लाइन को हिट करके निफ्टी 50 से दे रॉकेट तो जाता है ऊपर, उल्टा रॉकेट बनके नीचे। तो कोई बात नहीं है, नीचे गई ऊपर गई, अच्छा ये लगता है कि हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वैसी चीज अगर हो रही है आप लोगों को ऑपरेशन करने से, ठीक है, तो इसे खुद को एक जो है कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी प्रिडिक्शन सही थी। ट्रेडिंग तो आपको अपने ही एनालिसिस से करनी है, ये कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है, एक मार्केट का हम एक व्यू दे रहे हैं कि कैसे मार्केट का रुझान हो सकता है। अब दोस्तों निफ्टी में एक जो डिमांड जोन है वो ये है, इसको हमने शेयर भी किया था वीडियो में, ये डिमांड जोन है। कहां पड़े हो भाई साहब, आ जाओ सामने, क्यों छुप रहे हो, तुम्हारी बारी है, क्यों कहां भाग रहे हो, ये डिमांड जोन। मैंने ऊपर से कर दिया मार्क, बाकी कितना सेलिंग प्रेशर हो क्या होगा, डिप तक भी आ सकता है। फिलहाल अगर मैं मोटा मोटा इसको मार्क करता हूं कि डिमांड जोन एक्चुअली कहां से ले कहां तक है, तो वो निकल के आ रहा है 24,330 से लेकर के 24,017 है 24,100 से 24,300 एक डिमांड जोन है। इसके पहले निफ्टी 50 में कोई भी डिमांड जोन नहीं है, तो भी अच्छा खासा मार्जिन है अगर देखा जाए, ठीक है। तो दोस्तों जो हमें जानकारी है उस हिसाब से हमने यहां पर प्रिडिक्शन किया, ध्यान रहे वीडियो से पूरा डिस्क्लेमर है, ये किसी तरीके से कोई भी हमने यहां इंडिस किया वो रिकमेंडेशन टिप्स ट्रेडिंग पर्पस नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन के लिए हमने किया है यहां पर कि क्या जो मेरा एजुकेशन केवल यहां पर कि क्या हो सकता है, मेरा विचार है, ठीक है। ध्यान रहे स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन लेगा आप अपनी खुद क्लिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने का मेरा पोजीशन, मेरे नहीं किसी के टिप्स को, मतलब बात को टिप्स ना समझे ना माने कोई देता भी हो, ध्यान रहे हमेशा। और दोस्तों जो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल नाम से कई सारे फेक
चले भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहें। दोस्तों खास बात, हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको एक रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर हम टिप्स एंड रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम यहाँ पर एजुकेशन देते हैं, अपना जो व्यक्ति विचार होता है उसको हम आपके साथ रखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ये वीडियो में बोल से भूल जाता हूँ। थैंक यू।